Hello to all. Today we will try to understand the assessment and evaluation practices of the CBSE board for classes 9th and 10th for the session 2022 and 23. As per the circular dated 20th May, National Education Policy 2020 has affirmed the need to move from rote to competency-based learning. रट्टा जो हम करते थे बच्चे पहले, उससे हम हट के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं और उसमें competency-based learning हम कर सकें, इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है. This will equip the learners with key competences to meet the challenges of the 21st century proactively. जिससे कि हमारा बच्चा लर्निंग स्किल्स भी सीखे, लिटरेसी भी और लाइफ स्किल्स भी, हर तरीके से वो परफेक्ट हो. सो मेन चेंजेस आर एज फॉलोस. अभी तक 2021-22 में हमारा पूरा असेसमेंट दो पार्टीशंस में कर दिया गया था, टर्म वन एंड टर्म टू. लेकिन अब इस साल ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक बार पेपर होगा एनुअल स्कीम, जो जैसा कि पहले होता था. और पेपर के कंपोजिशंस क्या क्या होंगे, 21-22 का आपको सबको पता ही है कि मिड टर्म, टर्म वन में हम एमसीक्यू था, फिर उसके बाद पूरा सब्जेक्टिव पेपर था. लेकिन इस बार टर्म एक ही होगा हमारा फाइनल, जिसमें कि तीन पार्टीशंस किए गए हैं. कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि हमारी योग्यता पे आधारित होंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज होंगी और जो भी, और थोड़े डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. सेकंड होगा जिस, इसकी वेटेज 40% होगी. दैट मींस 80 में से हमारे 32 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे. सेकंड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दैट विल बी ऑफ 20%, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या मेन होता है कि इसका पर्पस ये होता है कि हमारा बच्चा जो अभी तक सीखा है वो उसमें कितना परफेक्ट हो चुका है, उसका एक स्पेसिफिक आंसर होता है. और उसमें ट्रू फॉल्स, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस, फिलअप्स, इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो इसकी वेटेज आउट ऑफ 80 16 मार्क्स की होगी. जो रिमेनिंग 40% है, दैट मींस 80 में से 32 नंबर जो बचे हैं, वो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर और सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस. नेक्स्ट हमारा जो इंटरनल है, 20 मार्क्स का पहले भी होता था, इसमें कोई चेंज नहीं है, अभी भी 20 मार्क्स का होगा. दैट मींस 80 नंबर का हमारा फाइनल एग्जाम होगा और 20 का इंटरनल है. अब 80 तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से होगा. 20 मार्क्स बच्चे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से इसका असेसमेंट है और आपको कैसे थ्रू आउट द ईयर अपना काम पूरे अच्छे तरीके से बनाए रखना है, अपनी प्रोग्रेस को पूरा अप टू डेट रखना है. इसमें पीरियोडिक असेसमेंट होंगे आपके, जो कि मैक्सिमम 3 लिए जा सकते हैं साल में, जिसमें से कि बेस्ट 2 की आपकी एवरेज निकाली जाएगी. और वो मतलब टाइम टू टाइम आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर बेस्ड होगा. इसकी वेटेज 5 मार्क्स की होगी 20 में से. नेक्स्ट है एमसीक्यू, वो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको करेंगे डिटरमिन कि इसका टाइप क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी. इसकी वेटेज भी 5 मार्क्स है. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, जो कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग कराई जाएंगी, जिससे कि हम सब्जेक्ट में परफेक्ट हो सके. और लैंग्वेज के लिए आपको पता ही है, स्पीकिंग और लिसनिंग, और साइंस और मैथ्स के लिए लैब एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सोशल साइंस के लिए भी लैब एक्टिविटीज़ होती हैं. और इसकी वेटेज भी 5 मार्क्स की होंगी. एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ विच वी हैव टू परफॉर्म इन दिस ईयर. एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमें एक प्रोजेक्ट भी तैयार करना है. नेक्स्ट लास्ट है पोर्टफोलियो, 5 मार्क्स का. पोर्टफोलियो क्या होता है बेटा, ये स्टूडेंट को अपने आप अपना बेस्ट इसमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है उसका, जो भी उसने उसको लगता है कि मैंने इस साल बेस्ट किया है, उसकी जो भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं, है ना, उसकी क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या वीकनेस है, वॉट एवर इज गुड और
वो देना चाहता है, अपने बारे में बताना चाहता है, वो उसको एक नोटबुक में या फाइल में एक जर्नल की तरह से लगा के रिकॉर्ड बना सकता है। तो इसकी वेटेज भी 5 मार्क्स की है। इसके अलावा ये 20 मार्क्स का हो गया बेटा। अब आता है को स्कॉलेस्टिक एरियाज, जो कि आपके ग्रेड लगेंगे, जिसमें कि आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन दो पार्टीशन किए गए हैं। आर्ट एजुकेशन में आपको ड्राइंग, पेंटिंग, कॉलेजेस, क्राफ्ट्स और जो भी कुछ है, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, कोई भी एक आर्ट फॉर्म सीखनी है और उसके आपके ग्रेड लगेंगे। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इसी के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाता है, जिसमें आपके स्पोर्ट्स, योगा, एनसीसी, सेल्फ डिफेंस, फिटनेस और लाइफ स्टाइल, जो कि सारे साल आपका चलेगा प्रोसेस, उसके हिसाब से ग्रेडिंग होगी। इसकी असेसमेंट कैसे होगी बेटा? थ्रू आउट द ईयर होगी। जो भी आप टीम में पार्टिसिपेट करते हैं, गेम्स में, कॉम्पिटिशन्स में, वो थ्रू आउट रिकॉर्ड रखा जाएगा आपका और आपकी रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट होगा। को स्कॉलेस्टिक एरिया हेल्थ एंड फिजिकल विथ वर्क एक्सपीरियंस, इसमें आपको प्रोसेस क्या क्या है, पार्टिसिपेशन, टीम स्पिरिट, कमिटमेंट, ऑनेस्ट एफर्ट्स, है ना, ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं कि इनके बेस पे आपकी ग्रेडिंग की जाएगी। सेम आर्ट एजुकेशन के लिए है कि आप उसमें कितना पार्टिसिपेशन करते हैं, कितना क्रिएटिव अपने आप को शो करते हैं, मटेरियल कैसा यूज करते हैं, कितना आप क्राफ्टमैनशिप दिखाते हैं, सोन। इसकी ग्रेडिंग 5 पॉइंट्स की है, ए टू ई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। इसी के अंदर गेम्स के अंदर वर्क एक्सपीरियंस की भी ग्रेडिंग है। नेक्स्ट है आर्ट एजुकेशन, दिस इज आल्सो 5 पॉइंट ग्रेडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन, विच कंटेन्स अटेंडेंस, सिंसियरिटी, बिहेवियर एंड वैल्यूज। अटेंडेंस मीन्स बेटा आप कितने रेगुलर हैं, कितना अपना काम रेगुलरिटी से करते हैं, सिंसियरिटी से करते हैं, सीरियसली करते हैं। बिहेवियर कैसा है आपका अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, वो क्योंकि उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता बेटा, आपकी पर्सनैलिटी ही आपके बारे में सब कुछ बता देती है। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितना डेडिकेटेड हैं, कितना काइंड हैं, कितना हम्बल हैं, है ना, कितना आप रिस्पेक्ट देते हैं अपने एनवायरमेंट को, अपने टीचर्स को, अपने आसपास वालों को, ये सब चीज़ें हमें अच्छा ग्रेड दिलाएंगी। और ग्रेडिंग इसकी ए टू ई है। और बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो हमारा लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें हमारे ग्रेड अच्छे होंगे तो हमारा जो, जब भी हम कभी आगे इसे प्रेजेंट करेंगे तो आप सोच ही सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लेकर आने हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।